साडी हर लेटेस्ट वीडियो बारे नोटिफिकेशन ली प्रेस करो बेल आइकन अते सब्सक्राइब करो दा फिल्म्स नु। क्यों रखा बीच में? अच्छा साइकिल भी गिर रही था। एक्शन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ એનર્ਜੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਵਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਆ ਟੱਕਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੱਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ पॉजिटिविटी होंगी। वो वेव्स तुसी उन्होंने देख के उवें दा हो जाने हो। तुसी चंगे भले बैठे हो, थोनू कहे ना वासी नूं देख के वासी आ जाती है। प्रैक्टिकल है, थोनू देख के बंदा एनर्जी वाला सामने वाला गुड फील कर, तो वो तुहाडे तो हमेशा आउंदी रहनी चाहिए। बिल्कुल जी, तुहाडे तो आउंदी भी है। मिट्टी की इत्थे गल हो रही है, मिट्टी दे इत्थे शूट चल रहा है, मिट्टी के बारे तुसी की कहोगे? देखो, मिट्टी नाल बंदे ने जुड़िया रहना चाहिए, तो मिट्टी जिस मिट्टी च पैदा होए उहनूं भुलना नहीं चाहिए। इस तों बाद मैं मिट्टी बारे की कहां? कि मिट्टी फिल्म बारे गल कर रहे हो? फिल्म भी मिट्टी तुसी किवें लैंदे हो ते किस मिट्टी दी इस फिल्म दे विच गल हो रही है? मिट्टी फिल्म, चलो मिट्टी दे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ने, है ना। तो मिट्टी फिल्म 2009 आई सी पहली, तो हुण तक भी मैं उन्होंने महीने च पाणी किन्नी बार देख लैंना। मेरी वो फेवरेट सी। उदों जिहड़ी चीज़ अलग आउंदी है तो बाकी तो डिफरेंट आउंदी है, मेरी फेवरेट बन जांदी। तो अज भी उन्हों की पिट्ठ सुणदी है जिन्होंने फिल्म बनाई सी, है ना। मेरी फेवरेट फिल्म सी उन्होंने डायलॉग ये, क्योंकि उदों कुछ होर चलदा सी सिनेमा। ਤੁਸੀਂ इमेजिन करो 2009 ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਟੀ 2 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਨ ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 4 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ 4 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। तो फिल्म देखोगे तो उस बाद तुहानूं पता लग जूगा। तो तुसीं इन्ने हमेशा ना हसते खेडते रहंदे हो, बड़ा जॉली जिहा नेचर है तुहाडा। किरदार फड़न दे विच कितना क टाइम लगता है या कैमरा ऑन हुंदा ते शुरू हो जांदे हो? नहीं, किरदार जदों स्क्रिप्ट आउंदी है ना हत्थ उदों थोड़ा जिहा ट्रैक लगदा, तो फिल्म जदों स्टार्ट हुंदी है 1-2 दिन लगदे ने थोड़ा जिहा फ्लो च आउण च, फिर आ जांदा, फिर कोई दिक्कत नहीं आउंदी, फिर तुहानूं पता लग जांदा, फिर तुसीं इंजॉय वध करदे हो, क्योंकि हुण तां ट्रैक ते आ गई गड्डी, हुण नहीं छड्डदे इहनूं। तो तुसी इदां ही रहिंदे हमेशा शरारती शरारती आउण वाले मूड च? नहीं नहीं, शरारती तो नहीं, तुसी कदे सीरीयस मूड देखे ही नहीं असल जी। जदों कोई इदां दा हुण जिवें कल नूं जिहड़ा बैकग्राउंड शुरू हो जानी है फिल्म दी, जिहड़ा बब्बर वाला पोर्शन उह च तुसी नहीं देखोगे, उहदे च ओह अलग किरदार ने, है ना। असल च ओह टाइम च आपां मिलदे ही नहीं, ओह टाइम च साडी कोई चीज़ ही नहीं वायरल हुंदी। इस चक्कर च इह ना टाइटल बहुत यूनीक है, बड़ा दमदार है, मिट्टी विरासत बब्बरां दी। जदों तुसीं इहनूं पहली बार सुनिया तुहाडा फर्स्ट रिएक्शन की सी ते दिमाग च की आया सी कि यार की हो सकदा है? पहली चीज़ ये सी कि जिहड़े बब्बर सीगे, है ना, उन्होंने हिस्टरी बहुत घट जने पता, मैनू भी नहीं पता भी प्रैक्टिकल गल कर रहे हैं, मैं एवं छेकिया मारी जावां। पर मैं कुछ सुनिया होया सी है ना, पर जदों मैं सुनिया भी स्क्रिप्ट च इदा उन्होंने बब्बरां की गल की गई है, क्योंकि जो मूवमेंट चली सी पुरानी जो गदारां नूं मारदे सी बेसिकली बब्बर, तुसीं हिस्टरी पढ़िओ है ना, क्योंकि जदों गदर लहर फेल हुई सी अपने गदारां करके फेल हुई सी, क्योंकि तुसीं हिस्टरी चक के देखिओ अंग्रेज़ों ने घट नुकसान किया, साढ़े अपने ने बहुत ज़्यादा किया है ना, जिन्होंने सूह दिंदे सीगे ते बब्बर उन्होंने मारदे सीगे उदों। तो एक टाइम इदा का आ गया सी भी ये मूवमेंट च हिल गए सी भी अंग्रेज़ों को लगन लग गया सी आपां छड्ड दीए हुण, तो उन्होंने बब्बरां दी गल ये साडी फिल्म करूगी। तो वही बब्बर सीगे, कोई छोटी उम्र दे सीगे, कोई वड्डे सी, किवें लड़े, की होया उन्हां नाल, किवें करदे रहे, की उन्हां दीयां पॉलिसीआं सी, ये तुसीं फिल्म च देखोगे। ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वैसे तो तुम मजाक करते रहते हो, कोई बुरा नहीं मानता, पर उन्होंने इंटरव्यू खराब हो गया सी ना, मैं लगता नाराज़ है। ये सुनने में एक्साइटमेंट जा रही है यार, चलो यार लाइट जा रही है। हाँ ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुहानूं बुलाना चाहिए ही, चलते हाँ। देखो जदों लाइट जा रही हुंदी है ना फिल्म के सैट ते, वो सब तो कीमती समा हुंदा, वो सूरज किसी का सका नहीं, उन्हें डिग जाना हिट, सब तो वड्डा स्टार होगा, उन्हें किसी की वेट नहीं करनी, जो शॉट रुक जाता लाइट चली जाती तो कल तो चले जाना सी। हम नाराज ना करिए, नहीं नाराज होंगे, कोई चक्कर नहीं, उन्होंने बिचों जाके उत्थे इंटरव्यू स्टार्ट कर लो, मैं एक्शन बोल दूंगा, जिथे कट होया सीगा उत्थे आपां स्टार्ट करेंगे। चलते हैं, चलो उन्होंने लैके चलते हैं, उन्होंने कोल चलते हैं। कित्थे गए वो, तो झल गए, भज गए। अच्छा भज गए, लभो फिर उन्होंने। रेडी सर, देखिया फर्स्ट टेक ओके वाले बंदे असीं। सत श्री अकाल जी। सॉरी सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? बस वधिया, तुसीं सुणाओ? बिल्कुल तैयार हो के निकले हो सीन दे लई? हाँ जी एब्सोल्युटली, एक्टर नूं अपनी तैयारी है ना अंदर ही करनी पैंदी, वैनिटी च जो भी आ, मैंटली और ओबवियसली कपड़े तो फिर है ही आ। मैंटली किन्ने क प्रिपेयर हो, तो एक किरदार की कहता है तो दर्शकों तक की पहुँचाएगा? आई थिंक साढ़ा सैकेंड लास्ट डे अज, तो हूँ मैंटली जोड़ा प्रिपेयर होए सी वो तो पूरा वॉश आउट ऑलमोस्ट हो ही चुका, एग्जॉस्ट हो चुके हैं बैक टू बैक शूट करके, बट इट वाज फन एट द सेम टाइम। तो ये किरदार थोड़े बाकी किरदारों नालों किवें डिफरेंट है, तो की कहता है लोगों? हुण तक मैं बहुत इंजॉय किया, निमृत प्ले कर रही हूँ मैं इहदे विच, निम्मी, एंड आई होप जिदा लिखिया होया लखविंदर जी की स्टोरी लिखी हुई है, आई होप इदा ही इनू मतलब डायरैक्टर साहब जोड़े कि बॉलीवुड के डायरैक्टर ने हरीदेव शेट्टी जी, उन्होंने शूट तो बहुत सोहना किया, एंड आई होप कई बार होंगे ना शूट हो जाता, स्टोरी भी लिखी जाती है, बट कई बार सामने स्क्रीन तो कुछ होर वो कि उन्होंने कहते कन्वे नहीं हो पाता मैसेज। आई होप जो इदा ही होया तो दैन ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, बट क्योंकि ये बहुत कुछ परफॉर्मेंसली है मेरे को ना, तो एंड शेड भी काफ़ी डिफरेंट है, पॉजिटिव भी आ नैगेटिव भी आ, तो आई लव्ड इट। कहते जी कहानी है ना ये बहुत अलग तरीके नाल किरदारां नूं प्रेजेंट करन वाली है, तो बहुत अलग तरीके नाल लोकां दे दिलां नूं छूण वाली है। जदों तुसीं कहानी सुनी की तुहानूं अट्रैक्ट कीता सीगा ते की क्लिक कीता तुहानूं? ये जो स्वैग बहुत है, लाइक यू नो गैंगस्टर वाली फीलिंग बड़ी हैगी, हीरो वाली फीलिंग, गैंगस्टर वर्ड इज़ नॉट द राइट वर्ड बट हैगे इहदे विच वी गैंगस्टर्स, सो बहुत कुछ डिफरेंट करन नूं मिलिया मैनूं इहदे विच, कपड़े डिफरेंट पाने मिले, उन्हें कोई बाइकर जैकेट पाई हुई है बिकॉज यू नीड दैट स्वैग, उदा के थोड़े कपड़े होंगे यू नो टशन जी वाले पूरे, तो वो पहला फिल्मों में नहीं करने को मिले, उन्होंने यही होंगे सी। एक तो मैं डांसर प्ले किया है ना, और हाँ सन ऑफ मनजीत सिंह, दूजे च मैं जिदा पिंड दी कुड़ी सिलाई सीखती सी, तो इदा दे सीगे, सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फॉर मी, मडीर टाइप फिल्मां। तो मिट्टी के बारे तुहाडा की कहना है? मिट्टी तुहाडे लई की है? मिट्टी नूं की समझदे हो, की कहंदे हो? आई होप जिदा मिट्टी वाजा मारदी मेरे लिए यू नो करियर स्टार्ट होया सी, तो मिट्टी वाजा मारदी तो होया सी, सो आई होप एक बारी ये चीज़ उन्होंने फिर रिफ्रैश कर दे, एंड एज एन एक्टर भी मेरे लिए मिट्टी की आ, मेरे लिए आई लव पंजाब की मिट्टी, मैनू अपनी मिट्टी नाल बहुत प्यार है, मैं इत्थों की जम्मी पली हाँ, एंड खैर वड्डी तो मैं आस्ट्रेलिया हुई हाँ, बट जन्म मेरा इत्थों का, तो जो मैं अपनी मिट्टी नाल कनैक्ट करती हाँ, और कनैक्ट किद्दां करती हाँ थ्रू फिल्म्स, थ्रू फिल्म्स मैनू एक कनैक्शन का मौका मिलता, तो मैं अपने आप नूं बड़ा खुशनसीब समझदी हाँ, वक्रे वक्रे पिंडां च जाण दा मौका मिलता मैनू है ना, तो आई लव इट। तो हिस्टरी भी ये कही गई है, कुछ ऐसी गल्लां सी जिहड़ी तुहानूं ना पता होण ते इह करदे होए पता लगियां। 1920 दी स्टोरी भी दिखाई गई है, फिर बाद चो 2018 दे विच जो हुंदा वो भी दिखाया गया। तो बहुत सारियां चीज़ां मैनूं सिक्खण नूं मिलियां, मैं दस नहीं सकती क्योंकि फिर वो पता लग जाना, मना किया होया सानू। तो कितनी देर का शूट होर रह गया तो कदों तक ये सानू सिनेमा घर च देखने को मिल सकती है, कोई आइडिया? हुण तक लगातार शूट करते आ रहे, 25 अक्तूबर के आसपास शुरू होया सी। हेमा मालिनी जी की यह हैगी प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, नाल संजय बाली जी आ। एंड मेरा तो मेरा ख्याल 2-3 दिनों का काम रह गया क्योंकि बैक टू बैक शूट हो रहा है साडा। अजे थोड़ा जिहा जिहड़ा 1920 वाला आई थिंक रफली वो इन्होंने हुण स्टार्ट करना। 2018 अज खत्म होया, मतलब वो वाला पोर्शन। चलो उम्मीद करते हैं ये दोनों जिहड़े पोर्शन ने लोगों को बहुत चंगा मैसेज दे के जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सत श्री अकाल। हाँ ठीक है, मिलते हैं। मैं माफी चाहना ही बंदे मैं इंटरव्यू को कुट के ले गया, शॉर्ट जरूरी सी ना आ खड़े यार। ओ भाई और रुको, गल तो सुनो यार, ओ इंटरव्यू कर लो यार, तू कर ले भरावा। और टेक जरूरी सी यार, पैसे लगे होंदे प्रोड्यूसर दे बहुत ज्यादा, वो भी तो इंटरव्यू लेना। ओथे स्टार्ट करो, चलो। थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, किरदार की गल करिए ना तो हर किरदार दिल के करीब होंदा है, किवें ना किसी तरह। ये किरदार तुहाडे दिलों के किवें करीब है? मतलब सब तो वड्डी गल ये हुंदी है कि एक आर्टिस्ट लई ना सब तो इंपोर्टेंट चीज़ ये हुंदी है जिहदे लई काम ही उहदा सब कुछ होवे है ना, कि वो कुछ वखरा करे। हुण तक जिन्ने भी काम कीते है हर चीज़ दे विच साडी भी यही दिलों मतलब एक तांग हुंदी है कि कुछ वखरा करन नूं मिले। हुण तक मैनूं मतलब जिन्ने क फिल्मां कीतियां लोग मैनूं पहचानदे नहीं हैगे, बिकॉज क्योंकि हर थां ते हर लुक हर करैक्टर अलग हुंदा। सो यही चीज़ आ भी उही चीज़ सानूं इस मिली है, सो इस चीज़ दी सानूं खुशी है। बाकी प्रोसैस दा हिस्सा हैगे आ, सिक्खण लई आए आ, सिक्खी जाने और सिखते रहांगे। हर किरदार वखरा होंदा जी, पिछली फिल्म नालों तुसीं एक नवा शुरू करदे हो। मैनूं ये सब तो वधिया इस करके किरदार लगदा कि जो मेरी जिन्नियां भी पिछलियां फिल्म ने, सज्जन सिंह रंगरूट, रॉकी मंटलिया, जिन्नियां भी उन्हां तो थोड़ा जिहा एक स्वैग दे विच आउणा ना। जिवें मेरा एक करैक्टर दा जिवें पॉजिटिव करैक्टर ते भी आ, पर एक हुंदा कि तुसीं आप दा ट्रांसफॉर्मेशन एक करदे हो, तुसीं प्रोड्यूसर्स नूं जां डायरैक्टर नूं ये रियलाइज़ कराउंदे हो जां जो देखण वाली ऑडियंस हुंदी भी तुहाडी कैपेबिलिटी की आ, तुसीं हर तरह दे किरदार कर सकदे हो। सो ओहदे नालों हुण थोड़ा जिहा अलग आ। ते अग्गे जिहड़ा मेरा एक प्रोजैक्ट हैगा वो नैगेटिव शेड आ, जो मेरा फेवरेट आ। मतलब मैं हमेशा नैगेटिव, मैं हमेशा स्क्रिप्ट चाहुंदा सी भी कोई मैनूं वधिया नैगेटिव मिले तां मैं ਜ਼ਰੂਰ करूँगा। तो वो भी जल्दी अनाउंस करांगे। असीं दोनों ही उहदे विच इकट्ठे हैगे आ, दोनों हैगे आ। हां जी, खेडदे लड़दे रहंदे आ, असीं रहिंदे भी इकट्ठे आ, असीं सारे इकट्ठे रहने। हां जी हां जी, ओ भी जेड़ा हुणे इत्थों गया ओ भी नाल ही रहंदा, असीं इकट्ठे रहने आ। ते ओ स्क्रीन ते भी असीं फ्रेंड हैगे आ, फिल्म दे विच ते ओ बॉन्डिंग नज़र आउंदी आ। हां जी हां जी, उम्मीद करदे आ तुहानूं इदां ही लोकी प्यार दिंदे रहण ते मिलदे रहिए असीं। थैंक यू जी। मैनूं लगदा इदां दे लड़दे रहणा, इदां दी लड़ाई कदी खत्म नहीं होणी, इदां ने इदां ही लड़दे रहणा। ये तुहाडे लई फिल्म लैके आ रहे हैं, अगे भी फिल्मां लैके आंदे रहणगे। सानूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल। साडी हर लेटेस्ट वीडियो बारे नोटिफिकेशन लई प्रेस करो बेल आइकन अते सब्सक्राइब करो DAAH Films नू।